नंबर वन, आई एम रीडिंग नंबर वन, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करें ना, दिस पेज नंबर नंबर वन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, ओके, जस्ट आई एम रीडिंग फॉर यू वंस अगेन. What length of pipe would you get by joining a pipe? दो pipe हैं, उनकी length है, एक की है 4 meter 20 centimeter and other another pipe की length है 12 meter 45 centimeter, ठीक है? Two pipes हैं, ऐसे ठीक है ना? अब इन दोनों की length है, अगर इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो उनकी length कितनी होगी? तो कैसे पता चलेगा हमें? ये चीज कैसे जानेंगे हम दोनों की length कितनी होगी? बताइए, एडिशन से पता चलेगा ना? Yes. तो आपका आवाज आ रही है ना, दो पाइप है हमारे पास, टू लेंथ के, अब हमें अपनी दोनों की कितनी लेंथ है टोटल ये पता करना है, तो फॉर दैट वी हैव डू द एडिशन. सो 90 ए एक्सरसाइज नंबर 1, नोटबुक में नोट करते चलिए. ओके, गुड मॉर्निंग मैम. हां मीटर एंड सेंटीमीटर, तो वन पाइप की लेंथ है 4 मीटर 20 सेंटीमीटर, अनदर पाइप है 12 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर. ओके, टोटल लेंथ मैम, आंसर मैम, हां यस मैम, इसको लिखना है. हाँ लिखते चलो, फोन करना आपको, लिखते चलिए मैम, ठीक है. बुक में भी कर सकते हो, साइड में बुक में यहाँ पे कर लीजिए, बुक में यहाँ पे स्पेस है ना, ये स्पेस है ना, यस मैम, हाँ यू कैन डू दैट. इस वाले को यहाँ कर लेना इसको, या जिसमें स्पेस नहीं हो वो नोटबुक में कर लेना, ठीक है. या सिक्सटीन मीटर एंड 65 सेंटीमीटर. नाउ नंबर टू, a piece of cloth measured 4 meter 75 centimeter. एक क्लॉथ है, क्लॉथ का बड़ा है वो 4 meter 75 centimeter बड़ा है, और टेलर यूज करता है, टेलर भी 2 meter 60 centimeter from it. एक पीस है कपड़े का, वो 4 meter something long है, और एक टेलर इसको यूज कर रहा है कपड़ा बनाने के लिए, कुछ क्लॉथिंग बनाने के लिए. कितना मीटर यूज कर लिया है, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर. हाउ मच क्लॉथ वाज लेफ्ट, अब कितना क्लॉथ उसके पास बचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग के लिए क्या करना होता है, जिस टाइम भी आंसर सबट्रैक्शन करते हैं ना. सपोज मेरे पास 4 मीटर लॉन्ग क्लॉथ है, 2 मीटर मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास कितना क्लॉथ बचा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबट्रैक्शन. Good morning. Good morning. Meter. Good morning. Good morning. Then 4 meter 75 centimeter minus 2 meter 60 centimeter. अब उसके पास कितना क्लॉथ बचा? Answer. कितना क्लॉथ रिमेनिंग है? 2 meter. आंसर. And 50 centimeter. 3 एक स्कूल बस है, वो 3 टिप्स लगाती है, जू में जा रहे हैं बच्चे तो 3 टिप्स में चक्कर लगाती है. इट कवर्ड 17 किलोमीटर 320 मीटर ऑन ईच ट्रिप. हर चक्कर में वो कितना कवर करती है, 17 किलोमीटर और 320 मीटर. व्हाट डिस्टेंस डिड इट कवर इन टोटल, अब उसने टोटल 3 ट्रिप्स में कितना डिस्टेंस कवर किया. अक्षर क्या करेंगे इसमें, अक्षर मैम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यस, 1 ट्रिप में जा रहे हैं ना, तो 3 में कितना जाएगी, ज्यादा जाएगी, तो वो है किलोमीटर एंड मीटर. हाउ मेनी किलोमीटर, 17 321 मीटर
सेंटीमीटर. और वो हम मार दिया. The path mean square meter 90 centimeter of cross to make 6 curtain of equal size. उसने 6 curtain बनाए. curtain में जो पर्दे होते हैं ना घर में 6 बनाए. और 6 बनाने के लिए उसको cloth लगा 12 meter 90 centimeter. इतना cloth उसको लगा 6 के लिए. तो what length of cloth did she use to make it? अब 1 के लिए कितना लगा? 6 के लिए लगा उसको इतना. वन के लिए कैसे पता चलेगा वन के लिए कितना यूज करेंगे? कैसे करके पता चलेगा बताइए. आंसर डिवाइड अपने डिवीजन है ना. वी डू द डिवीजन क्योंकि हमें ज्यादा का पता हमें वन का पता करना है. और जब वन का पता हो हमें ज्यादा का करना होगा देन वी डू द मल्टीप्लिकेशन. देन ज्यादा का नंबर हमको पता है हमको वन का मालूम करना है. डिवाइड डिवाइड डिवीजन डिवीजन. So, yes. The meter places meter at centimeter. Then how many meter? 12. How many centimeter? 90. Which is 6. 6 is divided by 6. 6 is 12. And here 6 1 are 6. Meter. 6 5 are 13. It means 2 meter and 15 centimeter. Answer will be, answer kya hoga? 2 meter and 15 centimeter. Now I am erasing 1 and 2. Here. Now number 5. Mr. Jain draws. Mr. Jain draws 17 km to reach his office. अपने ऑफिस जाने के लिए 70 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव किया. Then he drove to a shopping mall 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर. इसके बाद पाई वाला नोटबुक में नोट कर ले. हाँ नोटबुक में कर लीजिए तो 5 से. और उसके बाद शॉपिंग मॉल गए 5 किलोमीटर जो उसके ऑफिस से इतना दूर था. Later he draw another 12 किलोमीटर टू हिज हाउस. के बाद वो अपने घर आए. अब हाउ फार डिड ही ड्राइव इन ऑल? देखिए सबसे पहले वो अपने ऑफिस से 70 किलोमीटर था उनका ऑफिस उनके घर से. उसके बाद वो शॉपिंग मॉल में. मुझे नोटबुक में करना है. नोटबुक में करना है पर करना क्या है इसमें बताइए क्या करना है इसमें? फाइव में. उसके बाद वो वहां से ऑफिस से शॉपिंग मॉल गए. Then उसके बाद शॉपिंग मॉल से then he returned to back his home. मैम 1 2 3 4 नोटबुक में करना है. मैम मल्टीप्लाई. नो इट इज एडिशन. वी डू द एडिशन. मैम प्लस करेंगे. मैम मैम एडिशन करेंगे. यस मैम 1 2 3 4 नोटबुक में करना है. हां जहां पर मैं बात कर रही हूं मैं 1 2 3 4 नोटबुक में करना है. मैम 1 2 3 4 नोटबुक में करना है. लेकिन कितने टाइम लिया मुझे ना मुझसे मैं बार बार बोल रही हूँ. मैम मैम आपको जमा करना है. यू कैन डू. आप नोटबुक बुक कभी पे भी कर सकते हो. देखो कौन सी आईडी है. नंबर 6 शांता ट्रेवल.
357 किलोमीटर बाय बस फ्रॉम पुणे रास्ते निकलने के बाद में इस्तेमाल एंड देन वॉक द रेस्ट ऑफ द वे टू हर विलेज. उसके बाद उसने वॉक करके अपने घर तक का डिस्टेंस कवर किया. इफ द विलेज इज 365 किलोमीटर हाउ मच डिड शी वॉक. ये कौन डॉक्टर है? बोथ पेरेंट्स इज टॉकिंग देयर. रीड किया. शांता जिसने ट्रेवल किया बाय बस फ्रॉम पुणे, पुणे तक उसने ट्रेवल किया 357 किलोमीटर. ठीक है. Then, उसके बाद उसको अपने घर तक जाने के लिए उसने थोड़ी देर वॉक किया, पैदल चल के गई. अब उसके विलेज अगर पुणे से उसका विलेज 365 किलोमीटर दूर था तो उसने पैदल कितना डिस्टेंस कवर किया. समझ आ रही है जी? यस मैम. मतलब टोटल डिस्टेंस था, फिर हमें वॉकिंग वाला डिस्टेंस निकालना है. तो उसके लिए हमें सबट्रैक्शन करना होगा. ओके, किलोमीटर एंड एट किलोमीटर. वॉक कितना किया उसने? ओनली देखिए इतना डिस्टेंस वो बस से गई. इतना डिस्टेंस वो बस से गई, ठीक है ना? और उसका इतना डिस्टेंस बस से गई, उसका घर कितनी दूर था पुणे से, ठीक है ना? अब उसने पैदल कितना चला? टोटल डिस्टेंस से हमने बस वाला डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट किया तो जो डिस्टेंस आया दैट मींस शी वॉक, है ना? वो पैदल उसने किया. यहाँ पे फोर वाला यूज कर दो नंबर फोर. नाउ नंबर सेवन. एच आर स्टफ फाइव मैच बॉक्स टू मेक इट टॉय ट्रेन. स्टफ बॉक्स जानते हो? मैच बॉक्स चिपका है. स्टफ मतलब चिपका है. एक टॉय ट्रेन बना रहे थे, माचिस की डब्बिया थी, इसको चिपका कर उसने टॉय ट्रेन, गुड मॉर्निंग टॉय ट्रेन बनाया. ईच मैच बॉक्स वाज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. हर मैच बॉक्स कितना था? 6 सेंटीमीटर बड़ा था. सो हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेन? अब उसकी ट्रेन कितनी लंबी बनेगी? उसने 6 मैच बॉक्स को स्टक किया. एक मैच बॉक्स की लेंथ थी 6 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? इसके लिए क्या करेंगे हम? भी क्या करेंगे उसके लिए? मैम
हां मैम डिवीजन मैम डिवाइड हां मैम डिवीजन करें मैम डिवाइड करेंगे यस मैम हाँ 360 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है अब उसको उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके करना है तो ऑलरेडी डिवाइड किया गया है ना तो डिवाइड में डिवीजन करना ही है ऑलरेडी तो हाउ मेनी किलोमीटर कवर नहीं हुआ देखिए उसको इतना टोटल इतना डिस्टेंस कवर करना है इसलिए डिस्टेंस है 360 है ना इसका ये टोटल अब उसको ये बोल रहे हैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ एक बार इतना जाऊंगा एक बार इतना एक बार इतना तो किलोमीटर तो मतलब इतने पार्ट्स थ्री पार्ट्स में कवर कर रहा है इसमें 120 120 180 80 पार्ट्स के 120 के हो जाएंगे मैम डिवीजन अभी कीमत कीजिएगा इस 45 ठीक है यस मैम आपने सेवन करवाया ना है नंबर वन आप रीड करिए अपनी बुक मैं नंबर वन रीड कर रही हूँ दो सौ रीड डॉलर दो 750 ग्राम ऑफ पोटैटो एंड 500 ग्राम ऑफ पीस व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द वेजिटेबल्स क्या करेंगे इसमें बताइए बच्चों एडिशन और यस और टोमेटो और क्या था पोटैटो और पीस तो टोटल कितना वेजिटेबल था इसके लिए अभी कौन सा है एक्सरसाइज 9 है एक्सरसाइज 90 मैम 1 kg 250 ग्राम 550 ग्राम टोटल वेट है ना उसके पास कितना क्या था पोटैटो कितना क्या था पीस टोटल अभी यही आया आप देखिए ग्राम बताइए इसको किलोग्राम में चेंज करिए ग्राम किलोग्राम में चेंज करके बताइए कितना होगा कैसे चेंज करोगे देखिए ग्राम में आपको ऐसे ऐसे बताइए ग्राम 250 ग्राम ऐसे हम चेंज कर सकते हैं समझ आ रहा है कैसे चेंज किया
मम्मा नाउ नंबर टू आप ही रीड करिए साथ में रीड करिए फोर चेयर मैम और नहीं करूंगा आपको समझ नहीं आ रहा एंड 37 के 50 के जैसे आवाज कम करिए मैम एक बार और समझा दीजिए 50 केजी कैबेज इसने खरीदा ठीक है ना और सोल्ड किया 37 केजी इसने बेच दिया अब उसके पास कितना बचा कैसे पता चला वो उसने 50 केजी कैबेज खरीदा और 37 बेच दिया तो बचा कितना 13 केजी Yes, ma'am, 13 kg. Ma'am, 13 kg. 50 minus 30. Yes, ma'am, 13 kg. 13 kg. So, answer is 13. Left. Now, number 3. You read it yourself also, number 3. 400 ग्राम ऑफ शुगर इज बेस्ड 1 केक बनाने के लिए 400 ग्राम शुगर यूज होती है हाउ मच शुगर इज नीडेड टू बेक 3 केक देखिए 1 केक बनाने में कितना लगेगा 400 ग्राम और 3 केक बनाने हैं 3 केक में कितना लगेगा क्या करोगे इसके लिए बताइए मल्टीप्लाई क्योंकि 1 केक का सीमे कितना ज्यादा लगेगा चैट रहा है चैटिंग नहीं चैटिंग नॉट अलाउड वी डूइंग द चैटिंग During the class, alert करा तो कुछ इसने चैटिंग किया था। मैम, 1,200 grams. 1,200 grams. अब इसको divide करिए किलोग्राम और ग्राम में। किलोग्राम और ग्राम में आंसर निकालिए अपना। मैम, फिर से चैटिंग किया। आंसर निकालो। मैं फिर से चैटिंग किया मैं देखती हूँ ना फिर ना तो कौन है मैं 12 ग्राम मैं 12 ग्राम हाँ तो ये ग्राम है मैं 12 ग्राम अब देखिए इसको चेंज कर रहा हूँ ठीक है ना मैम फिर से कोई गोस्ट राइडर नाम से कोई चैटिंग कर रहा है बार बार हेलो 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 कोई चैटिंग कर रहा है काफी बार कर चुका है ये तीसरी बार का चलिए आप फोर नंबर पे जाइए फोर रीड करिए आप लोग मन ठीक है तो उसको देख रहे हो चैटिंग कर रहा है फोर नंबर फोर रीड करिए फोर चिल्ड्रन शेयर 500 ग्राम ऑफ पीनट्स इक्वली हाउ मच नीड ईच गेट बताइए क्या करेंगे फोर बच्चे हैं और 500 ग्राम पीनट इक्वली वो शेयर कर रहे हैं तो एक को कितना मिलेगा divide by 4 क्या मैं 125 ग्राम
Now, rest of all, we will do in next class. So, तो एक ऊपर एक गड्ढी डबल डबल बनती है।